पर ठंड में खुले आसमान के नीचे सोना ये एक बहुत मुश्किल टास्क है जो कि आज मैं करने जा रही हूँ। और इस चैलेंज में रहेंगे बहुत सारे ऐसे टास्क जो कि इस चैलेंज को बनाएंगे और भी मुश्किल और भी ज़्यादा मज़ेदार। आज का टेम्परेचर लो है 17 डिग्री और अभी है 20 डिग्री, तो रात को जब 3 बजे के करीब हो जाएगा 17 डिग्री, तो 17 भी बहुत होता है, एसी में ही 16 पे ठंड लगने लग जाती है जब। तो 17 डिग्री में मैं बिना किसी कंबल के, बिना किसी छत के जब मैं सोऊंगी तो वो चैलेंज होने वाला है बहुत ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए। तो चलो इस चैलेंज को शुरू करते हैं और इसमें कुछ स्पाइस ऐड करते हैं। तो गाइज अभी हम छत पे आ चुके हैं और आज फुल मून नाइट है, तो छत पे हमारा आने का ये मोटिव है कि हम लोगों ने लगाया है ये टेंट, क्योंकि आज रात हम इसमें रुकने वाले हैं और जिसमें हमारे पास में एक स्लीपिंग बैग है और एक ही मैट्रेस है, और बैठने के लिए भी वो एक ही मैट्रेस हम यूज़ लेंगे और स्लीपिंग बैग भी एक ही है, और हम सोने वाले हैं 2 बंदे। ये मेरा कॉम्पिटिटर है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, तो साथ में होते हैं, अपोनेंट नहीं होता, पार्टनर। हाँ, तो गाइज आज रात के लिए ये मेरा पार्टनर है और कह सकते हैं ये मेरा एक कॉम्पिटिटर भी है, क्योंकि हमारे टेंट में मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ एक मैट्रेस है और एक ही स्लीपिंग बैग है। तो हम लोगों के बीच में कंपटीशन है कि कौन वो स्लीपिंग बैग और कौन वो मैट्रेस पे सोएगा। तो उसके लिए हम रखेंगे एक गेम, 4 पॉइंट का गेम रखेंगे, जिसके पहले 4 पॉइंट आएंगे वो जीतेगा और रात को वो ही इस स्लीपिंग बैग में सोएगा। ये वाली जो जगह है वो लूज़र के लिए है और ये जो विनर होगा उसको मिलेगी। अभी जो हमने स्वेटर पहनी है वो भी हम उतार देंगे, और जैसे जैसे कंपटीशन टफ होता जाएगा वैसे वैसे यशु के कपड़े और छोटे होते जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले से कच्छा पहना हुआ है और यशु ने लॉन्ग पजामा पहना हुआ है। तो देखते हैं कि कौन इस कंपटीशन को जीतता है और कौन नीचे सोता है और कौन मैट्रेस पे सोता है। तो अभी के लिए मैं ये स्वेटर, मेरा मतलब कोट, उतार रही हूँ और यशु को भी उतारना पड़ेगा। ये सारा सामान चला जाएगा नीचे। और अभी बज रहे हैं, टाइम कितना हो गया, 11:58 हो गए गाइस, 12 बजने वाले हैं और ये कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और जल्दी मैं आपको गेम्स दिखाती हूँ, कितने इंटरेस्टिंग हम गेम्स खेलेंगे। तो गाइज अभी हमारा पहला टास्क जो है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। अभी मैं करूँगी मेरे फ्रेंड को फ़ोन और मैं उससे मंगवाने वाली हूँ एकदम स्पाइसी वाले नूडल्स, और वो नूडल्स हम लोग खाएंगे टूथपिक से। तो जो सबसे पहले टूथपिक से नूडल्स ख़त्म करेगा, वो भी एक स्ट्रेन उठा के खाना है, एक साथ नहीं खाने हैं 2-3। जो सबसे पहले उस नूडल को ख़त्म करेगा वो विनर होगा, और जिसके पॉइंट सबसे ज़्यादा होंगे वो उसी को मिलेगी ये मैट्रेस और उसी को मिलेगा ये स्लीपिंग बैग। तो गाइज हमारे नूडल्स आ चुके हैं और नूडल्स के साथ में आई है 2 टूथपिक्स। ये प्लेट इसकी है, ये मेरी है। हमको एक नूडल उठा के खाना है और जो सबसे पहले जीते खाएगा वो विनर होगा। तो उठी नहीं रही है, टूट गई। भाई मेरे ओठ पे मिर्ची लग रही है, दिक्कत तो है। होठों के ऊपर मिर्ची लगने लग गई तो उसके जीभ लाल हो गई मेरी। हालत खराब हो चुकी है, जीभ लाल हो गई है। तो गई तो गाइस ये शो जीत चुका है और मैं रही हूँ 4 दाने मैगी से पीछे। यहाँ होठ पे जलन लग रही है। तो इस वाले गेम में यशु मुझसे जीत गया है, पर अब इसी के बाद में दूसरा टास्क ये है कि हम दोनों एक टाइमर लगाएंगे और हम में से जो पहले पानी पिएगा वो हार जाएगा। जो सबसे ज्यादा कंट्रोल करेगा वो जीतेगा, और जो जिसने पहले पानी पी लिया वो हट जाएगा। मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, मुझे इतना ज्यादा तीखा लग रहा है, मेरी जीभ आदमी से जल रही है, वो तेज होठ जल रहे। टाइमर लगा। टाइमर स्टार्ट हो चुका है और जो सबसे पहले पानी पिएगा वो हारेगा। तो अभी मुझे कंट्रोल करना है अपने आप को। तो गाइस अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं पानी पीने वाली हूँ। मैंने 1.5 मिनट 2 मिनट तक कंट्रोल किया, अब इससे ज़्यादा कंट्रोल नहीं होगा। मुझे मिर्ची लग रही है बहुत तेज। ना मैं जीत गया ना, अब तो मैं पानी पी सकता हूँ। यशु जीतने के बाद ज़्यादा खुश लग रहा है। ये एक साथ 2 पॉइंट ले चुका है गाइस और मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। अभी मेरे पास 2 चांस बचे हैं। अगर मैं नहीं जीत पाई तो मुझे यहाँ सोना पड़ेगा और यशु वहाँ सोएगा मैट्रेस पे। काश मैं थोड़ी सी देर और वेट कर लेती। 1 मिनट और मुझसे नहीं रुका जाता भाई, मेरे तो मिर्ची लग रही है। गाइस हमारे 2 चैलेंज अभी पूरे हो चुके हैं। अभी हम चलते हैं तीसरे राउंड की तरफ। तो तीसरा राउंड ये है कि हमें ऊनो खेलना पड़ेगा और जो जीत गया उसका 1 पॉइंट होएगा। लेट्स गो। ये है हमारा ऊनो और हमारी एक बारी होएगी ऊनो की। जो जीतेगा वो विनर, जो हारेगा वो लूजर। पर अगर टाई हो गया तो गेम, अगर हो गया तो दोबारा। क्या आवाज आ रही है? नहीं पता। आई तो मुझे भी थी। कबूतर, शायद कबूतर आया होगा डक से। दोबारा आई। कबूतर की आ रही है। बता पहला कार्ड कौन सा आएगा? पावर कार्ड आएगा नहीं आएगा? पावर कार्ड नहीं है। सो बैड। तो ये लक का गेम है। ले तो ये दिखाना एक बार। अब ये डालूंगी मैं, मेरा ब्रह्मास्त्र। कितने कार्ड बचे थे? एक। उनो नहीं बोल दिया। मुझे रियलाइज हो गया था। तो यशु उठाएगा 12 पत्ते, यानी कि तू जीत गई। मैं जीत चुकी हूँ। अब इसके बाद में बोलूंगी कलर, और कलर है येलो। तो गाइज ये गेम मैंने मेरी काबिलियत से जीत लिया है और यशु हार चुका है। अब बस मुझे 2 गेम्स और जीतने हैं, नहीं तो अगर मैं नेक्स्ट गेम जीतूंगी तो गेम हो जाएगा टाई। तो बस मुझे 2 गेम और जीतने हैं और मैं जीत जाऊंगी यशु से, और फिर उसके बाद मैं सो पाऊंगी आराम से। अरे क्या हवा तो नहीं कह सकती मैं इसको। हवा चल तो नहीं रही, बोल रही हूँ ना, हवा तो कह भी नहीं सकती भाई। यार कोई डर अगर कोई ने डराने की कोशिश करी हो तो क्या है बता। अरे मेरे को क्या पता। इधर कैसे आ सकता है? इधर तो दीवार है। ऐसे लगा कुछ मारा। रुक जा, मेरे को हंसी आ रही है। जब तू चेक करके आ। नहीं मैं नहीं जाऊँगा। मेरी बट रही है। मैं नहीं जाऊँगा। कोई है क्या? हनुमान चालीसा और क्या आती मेरे को? मुझे आती। ये दूर कर। दूर कर यश हटा दे उसको, हटा। वो हंसी आ रही है, मेरे को डर लग रहा है यार। डर तो मुझे भी लग रहा है पर लगी बहुत तेज यार मेरे। तो गाइज मेरा फ्रेंड चप्पल मार के हमारे साथ प्रैंक कर रहा था और अभी उसने क्या किया, छिपकली डाल दी। और छिपकली वो भी प्लास्टिक की थी, तो यशु उसको बाहर डाल के आ रहा है। उसकी वजह से मैं डर गई थी, तो मेरे बहुत तेज प्लेट की लगी। तो छिपकली से डर लगता है मुझे। अभी वो गया। अब मैं मेरा कैमरा सेटअप कर देती हूँ और एक लास्ट अब हमारे पास टास्क बचा है और उम्मीदवार है मैं और यशु। और मैं चाहती हूँ कि ये गेम टाई हो जाए या फिर मेरे को एक और मौका मिले जीतने का, क्योंकि मेरे पास 1 पॉइंट है और इसके पास 2 पॉइंट है। तो अभी हम लोग करेंगे स्टोन पेपर सीजर, और ये बहुत नॉर्मल सा गेम है। इसमें जो जीतेगा वो दूसरे वाले को टास्क देगा, यशु आपको बताएगा क्या होगा। जो जीतेगा उसको मिलेगा 1 पॉइंट और हारने वाले को एक देर खेलना पड़ेगा, जो कुछ भी हो सकता है, कपड़े खोल के बाहर जाना ठंड में, या फिर नंगे पैर सड़कों पे घूमना, या फिर लिपस्टिक लगा के जाना, या फिर साड़ी पहन के बाहर घूमना। तो मैं चाहती हूँ मैं जीत जाऊँ। मुझे साड़ी पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, पर साड़ी तो मैं तब पहनूंगी ना जब मैं हारूंगी। तो मैं चाहती हूँ मैं जीत जाऊँ और यशु हार जाऊँ। तो अभी ये गेम खेलते हैं और देखते हैं कौन जीतेगा। और अब ये सिमी हार चुकी है, अब इसको कोई एक टास्क करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक टास्क दे रहा हूँ कि इसको बर्फ का पानी के अंदर मुंह देना पड़ेगा, वो भी कम से कम भी 5-10 मिनट। एक मिनट के लिए मुंह देना है, 2 मिनट कर लेता है। तो भाई ठंड में इतना कौन? हाँ तो यही होता है भाई, ठंड का मजा ही ऐसा है। ठीक है 2 मिनट डन, मतलब यशु जीत चुका है, तो अब मुझे 2 मिनट के लिए उस आइस बाउल में मुंह डालना पड़ेगा। सांस लेने के लिए ही बाहर निकल सकती हूँ, बाकी 2 मिनट के लिए मुझे उसमें आइस बाउल में मुंह डालना है, जो कि मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क है। और अभी लग भी रही है मुझे ठंड, और इतनी ठंड में किस तरीके से मैं मैनेज करूँगी मुझे नहीं पता है। बिग बॉस के घर में आ चुके हैं अपन। बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, बिग बॉस बाहर भी नहीं निकल सकते, अंदर भी खुश नहीं है, बाहर भी खुश नहीं है। बिग बॉस इन्हें हर्ट हो रहा है, बिग बॉस। इस बर्फ का पानी आ चुका है, मेरे लायक यही बर्तन मिला यार तुमको। यार मुंह तो तेरा इसमें आ जाएगा, बढ़िया काम किया। पिघल गई है लास्ट ऐसा लग रहा है भाई, ठंडा तो हो गया। बर्फ जमी हुई नहीं थी, तो ये जो बर्फ फ्रिज में जमी हुई होती है ना वही है, और ये भी ठंडी है वैसे तो। बर्फ का ढाई लाग है। आइए आइए आइए, मेरा मुंह नहीं आएगा इसमें, आ जाएगा सब आ जाएगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो गाइस टाइमिंग स्टार्ट हो गई है, 2 मिनट का टाइमर लगाया था मैंने, स्टार्ट हो गया है। तो 2 मिनट के लिए मुझे और ठंडा पानी है। सांस तो ले सकती हूँ ना? हाँ। बहुत ठंडा है। एक लंबी सांस ले लेना। नाक बंद हो चुके हैं मेरे वैसे भी, मुंह से। सही में काशी आ रही बहुत। ये देखो ऊपर वाला चल रहा है, आधा मिनट इसका और बच रहा है, जल्दी जल्दी। भाई बहुत ठंडा है, बाल भीग गए यार इसके। लास्ट 15 सेकंड बच रही है। लास्ट के 5 मिनट सेकंड, सॉरी। और ये टाइम अप। Congratulations। मैं भी नहीं पहुंच सकती इससे तो। बहुत ठंडा है। मेरी टी-शर्ट लो। अब मेरी नाक कैसे निकलेगी मुझे नहीं पता है। और ठंड की बात बताऊँ ना तो ठंड मुझे इससे ज़्यादा लग रही है अभी हाल फिलहाल में। और मैंने तो आधा कच्चा पहना है, इसने पूरा कच्चा पहना है, तो मैं कैसे पूरी रात निकाल पाऊँगी, मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है, शक हो रहा है खुद पे। शायद मैं ये चैलेंज क्विट भी कर सकती हूँ बीच में, क्योंकि जिस हिसाब से मेरी अभी कंडीशन है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि मैं आगे खेल पाऊँगी। बाकी देखते हैं मैं कितनी देर इसको और सहन कर पाऊँगी। और अभी रात के कितने बज रहे हैं टाइमिंग? रात के बजे 1:37 हो गई है, और मुझे सुबह सनराइज़ तक यहीं रहना है। और यशु के तो मज़े हैं, यशु को तो मैट्रेस मिल चुकी है और एक स्लीपिंग बैग मिला है, मुझे इसी पे रहना है। और अभी ये गिल्ला और हो चुका है, इसी के ऊपर मुझे सोना है। और ये बिल्कुल फर्श है, ठंडा फर्श है, ऊपर से मैंने बर्फ़ के पानी में अभी वो सर डाला है मेरा, तो मुझे ठंड लग रही है और मुझे इसी पे सोना है। तो देखते हैं क्या होता है। ठंडे मौसम में ऐसी ऐसी बातें होती रहती हैं। तो गाइस अभी का टेम्परेचर है 19 और आज का लो है 16 डिग्री। पहले तो 17 दिखा रहा था, अब 16 दिखा रहा है। 16 डिग्री आज का लो टेम्परेचर है और सुबह 6:47 पे सनराइज़ होएगा। तो मुझे 6:47 तक इसी के अंदर रहना है, मैं बाहर नहीं जा सकती। प्लस मुझे वॉशरूम भी जाने का मन कर रहा है पर मैं वॉशरूम भी नहीं जा सकती हूँ क्योंकि इस टाइम से हमें बाहर नहीं निकलना है। यही हमारा आज का टास्क था और अब देखते हैं मैं कैसे इसमें सर्वाइव कर पाऊँगी। तो गाइस अभी रात के बज चुके हैं 2:47 और यशु महाराज सो चुके हैं और मैं मतलब बिल्कुल सही फील नहीं कर पा रही हूँ, एडजस्ट नहीं हो पा रही हूँ यहाँ पे। तो मैं बैठी हूँ, बट ये है ना सो नहीं रहा है, ये सोने का सिर्फ नाटक कर रहा है और ये मुझसे शेयर भी नहीं कर रहा है। तो मुझे बस यहाँ पे बैठ के निकालनी पड़ेगी रात, जिस हिसाब से इसका बिहेवियर है और ठंड जिस हिसाब से है और मुझे बिस्तर नहीं दे रहा है ये, तो मुझे बैठ के ही निकालनी पड़ेगी रात। रूल्स ये जग रहा है। तो अभी 3 बजने वाले हैं, बस जल्दी से सुबह हो जाए और सुबह होते ही मैं जाऊँ। और मैं आज जैसे ही सुबह होएगी ना, मैं सबसे पहले जाते ही एक ही काम करूँगी, सोऊंगी और मस्त ओढ़ के सोऊंगी, एकदम अपने आप को गर्म करके सोऊंगी। तो गाइस अभी सुबह के बज चुके हैं 4:32 और मैं पूरी रात से स्ट्रगल कर रही हूँ, मुझसे सोया नहीं जा रहा है। ये फ़र्श इतना ज़्यादा ठंडा है कि मैं सो नहीं पा रही हूँ। बस थोड़ी सी देर और मुझे रहना है यहाँ पे, उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह की 6:05 हो गई है और बाहर इतना ज़्यादा अंधेरा है ना, मतलब बाहर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि सुबह हो चुकी है। और पूरी रात मैं इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी ना सोने के लिए, पर मैं सो नहीं पाई। मेरा गला तो बैठ चुका है, प्लस मेरी कमर में इतना तेज़ दर्द हो रहा है क्योंकि मैं इस पे सो रही हूँ और ये शू आराम से सो रहा है। मेरे पास में सोने के लिए बिस्तर नहीं था तो मैं इसी फर्श पे सोई और अभी मेरे कमर में भी दर्द हो रहा है, प्लस मेरा सर दर्द कर रहा है। और रात को ना इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी कि मुझे इसको बंद करना पड़ा, पर मैंने कैसे जैसे करके ये चैलेंज कंप्लीट करने की कोशिश करी है। और अभी कुछ ही टाइम बाद में सनराइज़ हो जाएगा, तो सनराइज़ होते ही मैं सबसे पहले नीचे जाऊँगी और नीचे जाके मैं फ्रेश होके सबसे पहले सोने की कोशिश करूँगी क्योंकि मेरा दिमाग अभी बस उसी चीज़ को ढूंढ रहा है जो मेरे पास अभी है नहीं। नींद और चैन नहीं मिल रहा है मुझे इस टेंट के अंदर। तो बस सबसे पहले जाके मैं सोऊंगी। और अभी देखो दिन तो हुआ नहीं है, दिन होने जैसी कंडीशन नहीं है, बट पता नहीं क्या पता थोड़ी देर में हो जाए। तो अभी मुझे आसार तो नहीं लग रहे सनराइज़ के। और बहुत तेज़ ठंड है अभी, टेम्परेचर मैं आपको बताती हूँ, अभी 16 डिग्री चल रहा है टेम्परेचर। मतलब जो पीक था ना वो सुबह ही है। तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे। मेरे ना ये जॉइंट्स है ना, इनमें भी दर्द होने लग गया। पूरी रात मैंने ऐसे निकाली है, मतलब एक एक मिनट में सोच रही थी कि कब मैं नीचे जाऊँ। तो बस अभी फाइनली वो टाइम आने वाला है थोड़ी देर में कि मैं आराम से नीचे जाके सोऊंगी। ये तो अच्छा हुआ मैं मेरे घर की छत के ऊपर हूँ, अगर मैं कहीं और होती और ये चैलेंज कहीं और कर रही होती तो शायद मुझे ज़्यादा तकलीफ़ होती। अभी तो बस मुझे नीचे ही जाना है और नीचे जाके आराम से सोना है। और यशु देखो कितने आराम से सो रहे हैं, यशु को होश ही नहीं है, यशु सो रहा है पूरी रात और मैं जग रही थी। बस इधर बैठ रही हूँ, कभी उधर बैठ रही हूँ, कोई कोने में। तो बस थोड़ी देर में दिन हो जाएगा, उसके बाद चलते हैं नीचे। तो गाइस अभी अच्छे से सनराइज़ हो चुका है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो पूरी रात से हम लोग इस टेंट में हैं। मैं वॉशरूम भी नहीं गई, ये भी वॉशरूम नहीं गए हैं। तो अब मेरे को वॉशरूम भी जाना है, प्लस जो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हुई मुझे सोने में, वो एक अलग बात थी। तो बस अभी एक ही मोटिव है कि इस टेंट से बस मुझे बाहर निकलना है, और टेंट से बाहर निकल के बस मैं नीचे जाना चाहती हूँ और आराम से सोना चाहती हूँ। तो अभी टाइम हो चुका है 6:20 और एकदम प्रॉपर सनराइज़ हो चुका है। तो बस मैं अभी नीचे जाने वाली हूँ, अभी यशु को उठाऊँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे। तो गाइज़, ये मेरा टास्क आज का कंप्लीट हो चुका है। मैंने ये टास्क एकदम पूरी लगन से किया था। मैंने ये सोच लिया था कि भाई मैं हार चुकी हूँ, तो मैं मेरी हार को भी एक्सेप्ट करने के लिए ये चैलेंज तो पूरा करूँगी। अगर मैं ये चैलेंज पूरा नहीं करूँगी तो मैं वैसे भी हार जाऊँगी और चैलेंज में भी हार जाऊँगी। तो इसलिए मैंने कैसे जैसे करके पूरी रात निकाल दी। बाकी 16 डिग्री टेम्परेचर में, वो भी बिना किसी कंबल के, किसी रजाई के या गद्दे के बैठना, वो भी बहुत मुश्किल चीज़ है। तो मैं पूरी रात मैंने बैठ के निकाली है, और मैं बस ऐसे बैठी बैठी सो रही थी, पर मेरे से ना सोया नहीं गया ढंग से। तो बस अभी मेरा यही एक मोटिव है कि इसको मैं उठाती हूँ और नीचे जाऊँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको मेरा ये चैलेंज अच्छा लगा, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, और आप कमेंट में बताना आपको ये चैलेंज कैसा लगा। और अभी चलो यशु को उठाते हैं और उसके बाद चलते हैं नीचे। यशु, उठ जा। वो तो मस्त सोया है पूरी रात भाई। इसकी तो आंखें नहीं खुल रही, आंख तो मेरी भी नहीं खुल रही वैसे। उठ जाओ। जुखाम हो चुकी है गाइस, सक्सेसफुली यशु को जुखाम हो चुकी है, और मैंने बर्फ के पानी में मुंह डाला था, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। आजा चले। वो स्लीपिंग बैग समेट रहा है अपना, उसके बाद चलते हैं नीचे।